प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित कर रही हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से देखी है, जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शुरू शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई, यहाँ से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे, जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी जमीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसिंहार हुआ। जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मन में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी, वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। उसके उनके पिताजी ने मुझसे कहा कि उनको घर के बाहर निकालकर उन्हें पीटा गया था, उनके बच्चों को धमकाया गया था, उनकी 9 साल की एक पोती को धमकाया गया था, लेकिन उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं थी उन्हें। उन मामलों में भी भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे, भाजपा के एक कार्यकर्ता, तीनों मामलों में वे इन्वॉल्व थे। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां जहां से रिपोर्ट आई, वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी, हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की, तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया।
लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। कभी भी इस देश और इस दुनिया की इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है, किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को निर्भर रख रहे हैं। ये देश क्या है? ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है। इसी न्याय की उम्मीद पर इस देश को आजादी मिली। जब महात्मा गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनके दिल में ये था कि मेरी जनता को, मेरे लोगों को, मेरे देश के किसानों, दलितों, मेरे देश की महिलाओं को, देश के गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय पर हमारा संविधान आधारित है, लेकिन इस देश में न्याय की उम्मीद सब छोड़ चुके हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब लखीमपुर खेरी में मैं शहीद नक्षत्र सिंह जी के घर गई, उन्होंने मुझे बताया कि उनका बेटा सीमा सुरक्षा बल में दाखिल हुआ है। जब मैं अगले परिवार से मिलने गई तो मुझे बताया गया कि उनके तमाम भाई बहन सेना में देश की सुरक्षा करते हैं। जब मैं रमन कश्यप पत्रकार के घर गई, मुझे बताया गया कि उनको काम करते करते मारा गया, उनको जीप के नीचे कुचला गया क्योंकि वो वीडियो ले रहे थे, सच्चाई दिखाना चाह रहे थे। सारे परिवारों ने यही कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है, किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता और क्या करे? आप जानते हैं कि किसान ने 9-10 महीनों से एक आंदोलन जारी रखा है, 300 दिन से अधिक ये आंदोलन चला है। इसमें 600 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकार के जो 3 कानून हैं उनके जरिए उनकी आमदनी, उनके खेत, उनके फसल सब इस सरकार के खरबपति मित्रों के पास जाने वाली है, उनके कब्जे में होने वाली है।
मोदी जी के अरबपति मित्रों ने पिछले साल हिमाचल से सेब 88 रुपए किलो में खरीदा था, इस साल वही सेब 72 रुपए किलो में खरीद रहे हैं और सबकी मजबूरी हो गई है कि वो सेब का दाम घटाएं। किसान की लागत बढ़ गई है क्योंकि फसल की कीमत तय करने का फैसला आप खरबपति कर रहे हैं। इसीलिए मन चाहे ढंग से कीमत घटा दी गई। ये स्थिति पूरे देश में होगी। जब इनके कानून लागू होंगे तो आपकी खेती, आपके फसल सब आपसे छीना जाएगा। मोदी जी ने जो आंदोलन कर रहे थे उन किसानों के बारे में क्या कहा? उन्हें आंदोलनजीवी कहा, आतंकी कहा, योगी जी ने उपद्रवी कहा, धमकाने की कोशिश की। गृह राज्य मंत्री ने धमकाकर कहा कि मैं 2 मिनट में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। आंदोलन करने की कोशिश की तो 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा। दुनिया के कोने कोने तक हमारे प्रधानमंत्री घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, देश देश में भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन अपने किसानों से बात करने के लिए अपने घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं जा सकते। अपने आप को गंगा पुत्र कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने गंगा मैया के आशीर्वाद से खेतों में फसल लहलहाने वाले करोड़ों गंगा पुत्रों का अपमान किया है। उनका उनकी पूरी आमदनी, उनकी खेती, उनके फसल अपने खरबपति मित्रों को देने की साजिश की है। क्या वो जानते हैं कि आपके प्रदेश में किसान कितनी समस्याओं से जूझ रहा है? क्या वो जानते हैं कि आवारा पशु की कितनी बड़ी समस्या है यहाँ? क्या रात को आपकी सड़कों पे उन्होंने चल के देखा है कि हर किलोमीटर, हर आधे किलोमीटर पे आवारा पशु बैठे हुए हैं? मैंने देखा है, मैंने देखा है। पांच सौ क्या